गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लाइफ हिस्ट्री देख रहे थे मलेरियल पैरासाइट का। तो मलेरियल पैरासाइट में हम देख पाएंगे कि जो भी कुछ हमने लाइफ हिस्ट्री में देखा था शुरुआत में, कि कैसे इन्फेक्टेड आके हमें बाइट करती है, एंड देन उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में जाके स्पोरोजॉइट क्या करता है, हाफ एन आवर्स में लीवर में चला जाता है, लीवर में जा करके अपने सेल्स को ग्रो कर रहा है, ग्रो करके वो राउंड शेप का स्ट्रक्चर बना, स्काइजोंट बना रहा है, उसके बाद स्काइजोंट बनने के बाद से वो डिवाइड करता है अपने नंबर्स को, स्काइजोगोमी करता है, रप्चर होकर फट के मेरेजॉइट्स निकलते हैं। अब मेरेजॉइट्स क्या करेंगे, वो जो एरिथ्रोसाइटिक फेज चलता है, रिप्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन का जो प्रोसेस था उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं साइजोगोमी, जो डिवीजन चल रही थी, लेकिन रिप्रोडक्शन वहाँ पे जो ब्लड एरिथ्रोसाइट फेज चल रहा था। अब हम बात करेंगे उसी मेरे जैसे हमने किया था स्काइजोंट साइजोगोमी से मेरोजॉइट्स के बारे में बात करेंगे कि मेरोजॉइट जो रप्चर हुए थे वो क्या होगा। अब रप्चर जो हुए थे जो मेरोजॉइट, उसी के आगे हम फर्दर फॉलो करेंगे। हमारा अगर किसी ने इससे ये वाला लेक्चर देख रहे हो तो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखो, आप उसके बाद ही ये लेक्चर देखो तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, कि जो मेरोजॉइट्स हैं ओके, वो इंटर करते हैं इंटू न्यू लीवर्स, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स उसके डिवाइड हो चुके हैं या रप्चर हो चुका है, रप्चर होकर के इसमें से मेरोजॉइट्स निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके ये फट करके इसमें से निकल रहे हैं पतले पतले। अब ये क्या कर रहे हैं, न्यू मेरोजॉइट्स जो हैं, मेरोजॉइट्स इंटर इंटू न्यू लीवर सेल्स में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, न्यू लीवर सेल्स में जा रहे हैं लीवर सेल्स। अब ये न्यू लीवर सेल्स में जाकर के अपने आप को फिर ग्रो करेंगे, ये यानी लीवर सेल में ही अपने आप को मैच्योर कर रहे हैं, रप्चर हो रहे हैं, मेरोजॉइट्स फॉर्म हो रहे हैं, फिर ये न्यू जो मेरोजॉइट्स हैं न्यू लीवर सेल में जा रहे हैं, फिर से ये ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करेंगे इनटू, पहले मेरोजॉइट्स ग्रो इनटू साइजोंट्स में, ग्रो इनटू साइजोंट फॉर्म में आएंगे पहले, ठीक है, मेरोजॉइट्स से साइजोंट फॉर्म में आएंगे, एंड विच अगेन डिवाइड टू फॉर्म। आप फ्लो चार्ट को कंटिन्यूअस रखना, ओके, विच ग्रो टू डिवाइड अगेन डिवाइड टू फॉर्म न्यू मेरोजॉइट। ओके, तो इस तरह के मेरोजॉइट को हम सेकेंड जनरेशन मेरोजॉइट्स बोलते हैं, क्योंकि अभी जो मेरोजॉइट्स बने हैं, पहले जो नॉर्मली स्पोरोजॉइट आए थे, स्काइजोंट बने थे, डिवाइड हुआ, रप्चर हुआ था, मेरोजॉइट बने थे, मेरोजॉइट देन अब इसको साइजोंट में कन्वर्ट हुए, फिर वो अब डिवाइड हुए हैं, तो ये सेकेंड जनरेशन माना जाता है। तो मेरोजॉइट्स, अब हम कहेंगे कि द मेरोजॉइट्स ऑफ द सेकेंड जनरेशन आर टर्म्ड मेटा मेरोजॉइट्स। इसको क्या कहते हैं, मेटा मेरोजॉइट्स। कोई पूछे व्हाट इज मेटा मेरोजॉइट्स, तो बेटा मेटा मेरोजॉइट्स वो होते हैं, मेटा मेरोजॉइट्स की जो रियल में स्पोरोजॉइट्स आए थे, ब्लड में थे, ब्लड से चले गए लीवर में, वो स्काइजोंट बने, रप्चर हुआ, मेरोजॉइट है, अब वो मेरोजॉइट फिर स्काइजोंट बने, डेवलप होकर राउंड शेप में स्ट्रक्चर बना, अब वो मेच्योर, वो डिवाइड होकर के जो मेरोजॉइट्स बने हैं उनको हम सेकेंड जनरेशन मानते हैं, उनको मेरा मेटोजॉइट्स कहते हैं। तो मेरोजॉइट्स और मेटा मेरोजॉइट्स में डिफरेंस है बस इतना कि वो फर्स्ट जनरेशन का था या सेकेंड जनरेशन का है। ओके, अब होता क्या नेक्स्ट देखें, तो क्या होता है नेक्स्ट हम बात करें कि एंड फॉर्मेशन इज कॉल्ड इस तरह की फॉर्मेशन को, जो पहले वाला क्या था एरिथ्रोसाइटिक फेज था रिप्रोडक्शन, इसी में एंड फॉर्मेशन इज कॉल्ड इस तरह की एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि दिस फेज, यानी अभी क्या होगा कि दिस फेज ये कंटिन्यू रहेगा अब, ठीक है, दिस फेज कंटिन्यू इन मोर लीवर सेल में, ये एक सेल में हुआ,
फिर उसमें से निकले, दूसरे लीवर सेल में गए, उसमें फैलाया, फिर उसमें बड़े हुए, फिर तीसरे में गए, तो कंटिन्यू है, दिस फेज इज कंटिन्यू इन मोर लीवर सेल्स टू फॉर्म अ रिजर्वर। इस तरह से लगातार एक लीवर सेल में से दूसरे लीवर सेल में बहुत सारे, फिर उसमें से निकल के बहुत सारे लीवर सेल में, इस तरह से रिजर्वायर बन जाता है, एक बहुत ज़्यादा मेटामेरिजॉइड्स का रिजर्वायर बन जाता है, द फॉर्म रिजर्वायर ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट का बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो जाता है, रिजर्वायर बन जाता है, जब बहुत सारे रिजर्वायर बन जाते हैं यानी पूरा पूरा लीवर में फैल जाते हैं, रिजर्वायर हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, एंड इसके आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इसके आगे क्या होता है कि एंड अगेन लेटर इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब ये वापस से ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, लीवर से अब ये कहाँ जा रहे हैं, फिर से ये जो लीवर सेल्स है यहाँ पे, यहाँ से ये ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं, ब्लड में जा रहे हैं, ये ब्लड है, ये लीवर है, लीवर से ब्लड में जा रहे हैं, तो लीवर से ब्लड में जाते हैं, इट मीन्स एंड अगेन नेक्स्ट एंड अगेन री एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर गए। अब क्या होगा कि इन ब्लड स्ट्रीम हम देख पाएंगे कि ब्लड स्ट्रीम में अटैक करेंगे फ्रेश न्यूली हेल्दी आरबीसी के ऊपर। पहले इनकी संख्या कम थी, इन्होंने देखा कितना स्मार्ट वर्क किया, आए ब्लड में कुछ टाइम रहे, WBC था उनसे बचना था और ख़त्म हो जाते, तो इन्होंने आरबीसी चले गए लीवर सेल्स में जा कर के एक्स एरोथ्रोसाइटिक फेस और ओनली एरोथ्रोसाइटिक फेस काइजोगोनी करके यानी मेरोजॉइट बहुत सारे प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, मेटामेरोजॉइट, ठीक है, प्रोड्यूस कर लिया। अब वो मेटामेरोजॉइट जो हैं वापस से ब्लड स्ट्रीम में आ करके वो बिहेव लाइक फेनेरोगेमेट्स करेंगे, फेनेरोजॉइट्स करेंगे, यानी अब अटैक करेंगे हेल्दी आरबीसी में, यानी जो लीवर से निकल करके अब आरबीसी में आ रहे हैं यानी ब्लड स्ट्रीम में आ रहे हैं और अटैक कर रहे हैं किसके ऊपर, हेल्दी आरबीसी के ऊपर। तो इन ब्लड स्ट्रीम अटैक हेल्दी इरिथ्रोसाइट पे, ब्लड पे कॉल्ड, इसीलिए जब अटैक करते हैं तो इन मेटामेरोजॉइट्स को अब हम कहते हैं फेनेरोगेमेट्स। क्या कहते हैं, कॉल्ड फेनेरोगेमेट्स, अटैक करते वक्त फेनेरोजॉइट्स कहते हैं, फेनेरोजॉइट्स या एक और नाम से बुलाते हैं मेटा क्रिप्टोमेरोजॉइट। ठीक है, अटैक करते हैं आरबीसी के ऊपर और मेटामेरोजॉइट्स फॉर्म करते हैं, मतलब उनको क्या कहलाते हैं, फेनेरोजॉइट्स कहते हैं, जो मेटामेरोजॉइट्स अटैक करते हैं उन्हीं को कहते हैं, अटैक करने के प्रोसेस कंडीशंस में हम उनको फेनेरोजॉइट्स कहते हैं। इनका इनक्यूबेशन पीरियड होता है, इनक्यूबेशन पीरियड वो होते हैं जिस दौरान इनिशियल अटैक करने के बाद सिम्टम आने तक प्रोसेस को हम इनक्यूबेशन पीरियड मानते हैं। तो जो इनका इनक्यूबेशन पीरियड ड्यूरिंग बिटवीन द इनिशियल शुरुआती दौर का, द इनिशियल स्पोरोजॉइट, इनिशियल स्पोरोजॉइट्स इन्फेक्शन एंड द फर्स्ट सिम्टम, पहला सिम्टम बॉडी में, द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मलेरियल सिम्टम। ठीक है,
यानी इंक्यूबेशन पीरियड क्या हो सकता है? इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है कि ड्यूरिंग द इनिशियल स्पोरोसाइट से लेकर के जब पहली बार कोई सिम्टम हमारे बॉडी में कॉज करता है, उस पूरे दौरान को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जब फर्स्ट सिम्टम आता है मलेरिया का, तो ये वाइवेक्स का अलग होता है, मलेरिया का अलग होता है, फैल्सीपैरम का अलग होता है, ठीक है, ओएलई का अलग होता है। जैसे हम बात करें कि इंक्यूबेशन पीरियड की, तो ये प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम यानी ये पैथोजन की बात कर रहा है और इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर रहा है, आईपी इंक्यूबेशन। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की बात कर रहा है, वाइवैक्स, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 14 डेज होता है। 14 डेज के इनका सिम्टम आता है, 14 डेज बाद दिखाई देता है। अगर आज आपके बॉडी में आए तो आपको ये बीमार किया, तो ये 14 इनका 14 दिन लग जाते हैं इनका सिम्टम्स आने में, ठीक है, पूरा बीमार कर, ठीक है। तो इसका हो गया प्लाज्मोडियम मलेरी, सबसे ज़्यादा इसी का होता है मलेरी का, 30 डेज तक इनका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, 30 डेज प्लाज्मोडियम ओवैली 14 डेज, 14 डेज एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम 12 डेज। तो हम देख पाएंगे कि जो इस मैरिज वाइट्स हैं, मैरिज वाइट जो वहाँ पर रप्चर हुए थे, अब वो न्यू लीवर सेल्स में जाकर, यानी लीवर सेल्स के दूसरे सेल्स में जाकर के अपने आप को फिर से स्काइजोंट में कन्वर्ट करते हैं, फिर राउंड शेप का हो जाते हैं, फिर वो न्यूक्लियो स्काइजोगोनी करते हैं, फिर उसमें से जो निकलते हैं अब वो सेकेंड जनरेशन को कहलाते हैं, एक्स इरिथ्रोसाइटिक फेज होता है, अब उसको हम मेटामेरिजॉइड्स कहते हैं, अब जो नए फॉर्म हुआ। अब मेटामेरिजॉइड्स फिर दूसरे सेल में जाके और अपने फॉर्म करते हैं, लेकिन वो दूसरे सेल को, अब वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। मेटामेरिजॉइड कहाँ चलेंगे, ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। ब्लड स्ट्रीम में जा करके वो हेल्दी जो आरबीसी होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, उन पर अटैक करते हैं, अटैक करते हैं तो उनको हम फेनेरोगैमेट्स कहते हैं, अटैक के समय उनको हम फेनेरोगैमेट्स या फेनेरोजॉइड्स कहते हैं। फेनेरोजॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं और आरबीसी को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से हीमोलिन, अभी आपको हीमोजॉइन आपको बताऊंगा, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है, लेकिन अभी मैं बस इतना बोल रहा हूँ, उस पर अटैक किया और आरबीसी को डैमेज किया। तो ये पीरियड हो सकते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड इनका अलग अलग हो सकता है। तो अभी मैंने इतना ही बताया, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट वाले देखते हैं आगे। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि अब हम नेक्स्ट क्या होगा कि जो फेनेरोगैमेट्स हैं, फेनेरोगैमेट्स क्या होंगे, जैसे सपोज करिए वापस से पहले मेरोजॉइड्स की हम बात करें, ये लीवर सेल है, ठीक है, अटैक ऑन यूरोसाइट, ये लीवर सेल है, लीवर में से मेरोजॉइड्स निकल के ये जो मेटामेरिजॉइड्स हैं, मेटामेरिजॉइड्स हैं, अगेन आ रहे हैं किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, कहाँ आ रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम में, इसके अंदर ब्लड स्ट्रीम में आ रहे हैं। तो अब ये अटैक कर रहे हैं आरबीसी पे, ये अगर सपोज करिए आरबीसी का सेल है, इस पे, ये आरबीसी पे, इसको मैं निकालता हूँ बाहर, ये आरबीसी का सेल है, ये हेल्दी आरबीसी है, हेल्दी आरबीसी है, इस पर अटैक कर रहे हैं। जब इसको अटैक कर रहे हैं कौन, मेरिजॉइड्स, मेटामेरिजॉइड्स अटैक कर रहे हैं, तो सपोज करिए इसके अंदर आ गए, अटैक कर रहे हैं इसके अंदर आकर के, तो इस समय इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसको कहेंगे फेनेरोगैमेट, फेनेरोजॉइड्स कहेंगे, फेनेरोजॉइड कहेंगे। तो फेनेरोजॉइड्स क्या करेगा, बाद में डेवलप करेगा, होगा क्या इसमें, पूरा का पूरा बात देखें आप कि फेनेरोजॉइड्स करेंगे क्या, अटैक अंदर चले गए आरबीसी का, फिर एक साइकिल यहाँ चलाएंगे, इसके अंदर आने के बाद एक साइकिल यहाँ चलेगा, एक साइकिल कंप्लीट यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो फेनेरोगैमेट्स क्या करेंगे, अब एक साइकिल यहाँ पे चलाएंगे, जैसे इनसाइड द आरबीसी हम देखे जाए तो जो इनसाइड आरबीसी अनदर साइकिल इज परफॉर्म्ड, यानी फर्स्ट साइकिल इज ऑल्सो, फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे चला था, ब्लड में, एंड देन लीवर में गया, लीवर से कहाँ चला, फिर से वापस री इंटर हो गया ब्लड में। तो ब्लड में आने के बाद अब इस समय हेल्दी ब्लड को चूज करेंगे और एक एक करके उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्हीं का आयरन इस्तेमाल करके एक हीमोजॉइन बनाते हैं और उन्हीं को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हम देखेंगे इनसाइड आरबीसी अनदर मल्टीप्लीकेशन फेज, अनदर साइकिल परफॉर्म्ड, अनदर साइकिल परफॉर्म्ड, फॉलो, ओके,
ओके, तो हम जैसे देख रहे थे कि इनसाइड आरबीसी अनदर साइकिल परफॉर्म। अब ये अनदर साइकिल करेगा क्या, इस साइकिल का नाम क्या है? इस साइकिल को हम इरिथ्रोसाइटिक फेस कहते हैं। दिस साइकिल इज नोन एज गोल्जी साइकिल या इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ओके, नेक्स्ट होगा क्या कि जब इरिथ्रोसाइटिक साइकिल परफॉर्म होता है, कभी भी याद रखना आप कि इसमें सबसे पहले इंटर किया और जो मेरोजॉइट है, जो मेटामेरोजॉइट, जो फेनेरोजॉइट्स बन चुके हैं, इसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। तो जो फेनेरोजॉइट्स होंगे या फेनेरोजॉइट, इनमें होगा क्या, ये ग्रो करके फिर से राउंड शेप में स्ट्रक्चर बनाएंगे, राउंड या स्फेरिकल शेप में स्ट्रक्चर बनाएंगे इसमें, और न्यूक्लियस को क्या करेंगे, मूव करके किनारे, मूव होकर किनारे हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, स्पेस है एक तरह का, आप कह सकते हो वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड एंड न्यूक्लियस मूव्स टूवर्ड्स पेरीफेरी। किधर के चला गया? टूवर्ड्स पेरीफेरी साइड में। ओके, टूवर्ड्स पेरीफेरी। अब इस वाले स्टेज को हम कहेंगे साइजोंट। क्या कहेंगे? साइजोंट। यानी फिर से फेनेरोजॉइट जो होंगे वो साइजोंट में फिर कन्वर्ट हो गए। लेकिन ये कहाँ पे हो रहे हैं? फेनेरोजॉइट्स कन्वर्टेड इनटू साइजोंट्स एंड न्यूक्लियस मूव टूवर्ड्स द पेरीफेरी एंड अ बिग स्पेस इज फॉर्म। दिस इज कॉल्ड वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस इज साइजोंट इज परफॉर्म्ड इन विच टाइप ऑफ कंडीशंस। अब देखो क्या क्या यहाँ पे घटना घटने वाली है। अब देखो होगा क्या कि इस स्टेज को क्या कहते हैं, रिंग शेप स्टेज होता है। कैसा होता है? रिंग शेप स्टेज, जिस तरह से आपको दिख रहा है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्या होगा कि आरबीसी है सब, ठीक है, आरबीसी बाइकनकेव शेप का होता है और इसमें ये राउंडेड शेप का है जो अभी मैं बताया था आपको। क्या बोल रहा था, क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइटिक फेज का, ठीक है। इस वाले रिंग शेप के स्ट्रक्चर को हम ट्रोपोजॉइट कहते हैं, यानी रिंग शेप स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड ट्रोपोजॉइट। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल शेप का स्ट्रक्चर है। अब ये जो ट्रोपोजॉइट था, या आप कह सकते हो फिनेटिंग, अभी ट्रोपोजॉइट बन गया, फेनेरोजॉइट ट्रोपोजॉइट में कन्वर्ट हो गया। अब ट्रोपोजॉइट क्या होगा? फर्दर ग्रो, ठीक है, यानी ट्रोपोजॉइट इज फॉर्म्ड, ठीक है। ट्रोपोजॉइट फुली मेच्योर टू फॉर्म साइजोंट। अब ये रप्चर हुआ, इसमें से निकले, फिर से ये भी डेवलप हो गए, फिर से इसको हम क्या कह रहे हैं, साइजोंट फिर बोल रहे हैं। इस साइजोंट के पास क्या होते हैं, येलो कलर पिगमेंट होता है, येलो ब्राउनिश पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड हीमोजॉइन, ठीक है। हीमोजॉइन इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस टू डिस्ट्रॉय द हेल्दी आरबीसी। अब इस आरबीसी के डिस्ट्रॉय की वजह से सीरम बिलिरुबिन और सीरम बिलिरुबिन, ये दो तरह के वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं और हमें चिल्स होता है, हमें शिवरिंग होती है, हमें फीवर होता है, वोमिटिंग होती है। तो जब मलेरिया, जब हमने जैसे देखा कि एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो एनाफ्लीज जब हमें बाइट करने के जस्ट बाद क्या हुआ, ब्लड में सारा अपने 1000 अपने स्पोरोजॉइट, अपने सलाइवास हमारे बॉडी में छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हाफ एन आवर में पूरे बॉडी फ्लूइड में फैल जाता है, आधे घंटे में, लेकिन वो तुरंत डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता किधर चले गए। क्यों? जब तक WBC उनको डिटेक्ट करे, उनको मारने की प्लानिंग करे, तब तक वहाँ से निकल जाते हैं, वो सब चले जाते हैं लीवर में, बहुत स्मार्ट होते हैं, लीवर में चले जाते हैं और लीवर के सेल्स पे जाके अटैक करते हैं। तो लीवर के सेल पे अटैक किया, और लीवर के सेल पे अटैक किया उन्होंने, जो स्पोरोजॉइट थे,
साइजोंड में कन्वर्ट हुए, रप्चर हुए, मेरोजॉइट बनाए, देन क्या हुआ, दूसरे सेल में गए, फिर मेटामेरोजॉइट्स बनाए, सेकंड जनरेशन हुआ, फिर फ्रेरो अटैक वापस फिर आरबीसी में आते हैं, और आरबीसी में आने के बाद से वो क्या बनाते हैं, ट्रोपोजॉइट्स बनाते हैं, फ्रेरो जॉइट होते हैं, फिर डेवलप होकर के जो ट्रोपोजॉइट में कन्वर्ट होते हैं, ट्रोपोजॉइन जो होता है उनके पास हीमोजॉइन होता है, वो अटैक करके आरबीसी को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब इस तरह से लगातार आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है इस हीमोजॉइन से, और एक स्कर्फ डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको कहते हैं स्कर्फर्स डॉट। तो स्कर्फर डॉट ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एंड मोमेंट ऑफ मलेरियल पैरासाइट का सबसे लाइफ हिस्ट्री का सबसे एंड मोमेंट है। अब इसके बाद ये क्या करते हैं, पूरा रप्चर कर देगा किसको, आरबीसी को, यानी आरबीसी को एकदम बिल्कुल टूट जाएगा, आयरन अलग हो जाएगा, उसके बाद से ग्लोबुलिन अलग हो जाएगा, सीरम बिलिरुबिन अलग हो जाएगा, सीरम वडीन अलग हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको फीवर होता है, हेडेक होता है, वोमिटिंग होती है, सारी परफॉर्म। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक।